निर्मल मुकुर सुधारि, बरनउ रघुबर बिमल जस जोतायुक फल चारि। गुरुतिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि कलेश पिकार। ज्ञान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिगुलोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कारण कुंडल कुंचित केसा। पशु पक्षी नभु जल थल चारि, पशु प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को मेरा प्रणाम। कथा में जिसके आशीर्वादक उपस्थिति है, ऐसे हमारे पूजनीय टाट बाबा जी आज एक विशेष अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपने योग को
जगत के चौक में प्रस्थापित करके लाखों लोगों को योग का वरदान दिया है। ऐसे योग ऋषि हमारे साथ एक विश्वास का संबंध है, ऐसे महात्मा पूज्यपाद रामदेव जी बाबा पधारे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बाबा के पास निमंत्रण गया था रमाज भैया के ओर से, और बाबा ने मुझे भी सूचित किया कि बापू मेरी इच्छा है मैं जितना आ पाऊँ सेवा भी करूं। आपने आपकी व्यस्तता से समय निकाला, आप आए, ये आपका अहेतु प्यार है। मन वचन कर्म से दूसरों का उपकार करना ये साधु जन का सहज स्वभाव होता है, ऐसा कागभूसुंडी जी ने गरुड़ को कहा है। हमारे पूज्य बाबा तो अक्सर अवसर मिलते ही कथा में इसी भाव से आ जाते हैं। बाबा यद्यपि जहां जा रहे हैं कथा ही कह रहे हैं, किसी न किसी बहाने कोई न कोई जो साधन अपने जीवन में सफल हुआ और जिस साधन का फल पूरे संसार को रस दे सकता है, औषधि दे सकता है, आरोग्य दे सकता है, मन को अस्वस्थ कर सकता है, ऐसे उपकार के लिए आप भी तो किसी न किसी रूप में यही तो काम करते रहे दुनिया भर में, तो इस संत का सहज स्वभाव है। आप तो कहते कि मैं तो कथा सुनने आऊंगा, लेकिन प्रार्थना भी की गई, मैं भी खुश हूं कि आप आए हैं तो हम आपका थोड़ा लाभ तो जरूर लेंगे। तो देखो सब खुश है बाबा, तो हाँ कोई सन्यासी घर पे आए तो भिक्षा तो देनी चाहिए ना, तो हमारे पास तो और क्या भिक्षा है, समय की भिक्षा दे दूंगा कि लो बाबा अपनी झोली में ये इतना समय और आप अपनी झोली में इस भिक्षा को संजीवनी बना करके बांटो। आप पधारे, हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है, व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। इस बार की राम कथा में रामचरितमानस के आधार पर मानस में गोस्वामी जी ने जिस ढंग से काम का दर्शन पेश किया है कि काम क्या है, कोणार्क में काम सूत्र पर बोला गया मानस काम सूत्र, लेकिन यहां काम दर्शन पर बल दिया जा रहा है। और हम और आप गुरु कृपा से और अनुभव से जितना समझ आया, साधु संतों के पास बैठकर जो कुछ जाना पाया, इस पर से हम बैठकर के संग में संवाद कर रहे हैं कि आखिर ये काम तत्व क्या है। बहुत से काम संबंधी मेरे पास जिज्ञासाएं भी आ रही हैं, तो उसका कुछ विशेष दर्शन मैंने कल भी कहा कि जीवन के सत्य के संदर्भ में हम देखें अपने जीवन में सत्य क्या है। महाभारत का संदर्भ लूं तो महाभारत में भगवान कृष्ण की एक दिनचर्या बताई है व्यास जी ने, इसकी भूमिका एक काम वाली बात के लिए जरूरी है। प्रश्न पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण उसका नित्य क्रम क्या है, सुबह से वो क्या करते हैं,
विशिष्ट और महापुरुषों के बारे में एक जिज्ञासा साधारण सबकी रहती है कि भाई इतना बड़ा आदमी कितने बजे उठता होगा, क्या करता होगा। तो कृष्ण तो परम योगेश्वर है, ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। तो वहां भूमिका में आता है बाबा, मैं इसलिए भूमिका बना रहा हूं कि आदमी बहुत भोग भोगता है तब एक संभावना बन जाती है रोगी होने की। भोगे रोग भयम् हमारे यहां कहा गया, शायद भर्तृहरि ने कहा वैराग्य सूत्र। अत्यंत भोग जो भोगता है, जिस कल चर्चा हुई कि आज के कुछ चिंतकों ने कहा कि एक बार पूरा पूरा भोग लो तो काम खत्म हो जाए, लेकिन ये जीवन का सत्य नहीं है, ये जीव का सत्य है। यहां तो हमारे और आपके जीवन में देखते हैं तो जितना भोगो इतनी आग भड़कती है। विषय भोग जिम गीत है, तुलसीदास जी विनय में कहते ये तो घी डाला जाता है। हाँ, देहातों का एक अनुभव आप उसमें जोड़ सकते हैं कि अग्नि यदि कम है, एक कंडा है और अग्नि है, बिल्कुल प्रज्वलित नहीं है, धुआं है अग्नि है, लेकिन न्याय के मुताबिक तो जहां धुआं है वहां अग्नि है, अथवा तो थोड़ा जल भी रहा है, चलो एक दियासली दो तीन दियासली जल रही है। सूत्र तो यह है कि अग्नि में घी डालो तो अग्नि बढ़ता ही है, लेकिन हर जगह यह सूत्र सत्य सिद्ध नहीं हुआ। एक कंडा धुआं निकाल रहा है, अग्नि अंदर है, अथवा तो दो तीन दियासली जलाई है अपने कांडी पर, अभी जल रही है, उसमें एक डिब्बा घी डाल दो बुझ जाएगी, आग लगेगी नहीं, स्वयं घी ही अग्नि समाप्त कर देगा। काम की मात्रा बहुत कम हो व्यक्ति के जीवन में तो स्नेह मानी घी, स्नेह का बड़ी मात्रा में स्नेह का उस पर वर्षा कर दी जाए तो अग्नि शांत हो सकती है, बुझ नहीं सकती है। जो निष्काम होने का एक तरीका हमारे ग्रंथों में माना गया, बाकी अग्नि अत्यंत कामुक आदमी है और उसमें कितने भी विषय का घी डाला जाए तो ये बुझने वाला नहीं। नित नित नूतन मार, तुलसीदास जी कहते हैं रोज नया 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 भड़कता। इसलिए भोग लो, जो चिंतकों ने आज की शताब्दियों में कहा कि पूरा भोग लो, वो भी सफल तो नहीं दिखता है। इसलिए बात हो रही बुद्ध की कि सम्यक बने, साहब आराम भी सम्यक होना चाहिए, व्यायाम भी सम्यक होना चाहिए, निद्रा भी। अब बाबा कितने घंटे सोते होंगे, बाबा जाने हमारे बाबा जी कितने घंटे सोते, लेकिन वो शायद ऐसा जीवन जीने वाले दो तीन घंटे सोते होंगे तो भी 24 घंटों की पूर्ण ऊर्जा प्राप्त कर लेते होंगे, और कोई 14 घंटे सोए तो भी प्रमाद कर उठते, प्रसन्नता का फल नहीं आता, परिणाम प्रमाद है, पर प्रमाद मृत्यु है। व्यास के सम अर्थात घटे प्रमाद मृत्यु, सम्यकता अपनी अपनी होती है। तो मेरे भाई बहन, अतिशय भोग आदमी को रोगी बनाता है, अत्यंत भोग अतिरेक, या तो मैंने कल कहा कि अति भोग विलास है तो फिर प्रदर्शन न करो, कह दो कि हम विलासी हैं, जैसे रावण ने कह दिया मैं विलासी हूं, सीधी बात। तो
अत्यंत भोग रोग देता है। अब भोग के द्वारा आया रोग, इस रोग का शमन कैसे है? तो फिर हमारे यहां एक अद्भुत उपाय आया, औषधि ही नहीं उपाय भी, शुरू शुरू में औषधि कह दो लेकिन उपाय भी है ये, कि योग आया, कि योग कर संयम योग नियम। फिर पूरा पतंजलि का अष्टांग लो, पूरा गणित लो, पूरा विज्ञान लो। ओशो ने तो कहा था कि पतंजलि आंतर जगत के परम वैज्ञानिक है, पर बाबा ने इसी योग को दुनिया के मैदान में रखा। पर ये दुनिया क्या है, दुनिया का ही बहुत आदत, बहुत विचित्र आदत। बाबा आपको और कोई जिस क्षेत्र में जो काम करे, आपके योग के द्वारा तंदुरुस्त हुए बुद्धिमान भी कहते आ तो खाली योग कसरत लागे थे, पर तू हारो थई गयो, ई तो जो तू तो वो तो देख कि इसी से तू ये बेईमान हम बहुत बन गए। तो कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लोग करते रहते, कथामां मजा बहु आवे, पण पछी केटली कथा सांभळवी तो पछी घरे रहने कौन कौन बुलाता है तुझे? अत्यंत भोग रोग को निमंत्रित करता है और फिर रोग का अतिरेक को मिटाने के लिए एक परम उपयोगी साधन है योग, जो शरीर के रोग और मन के रोग दोनों की औषधि और उपाय है। ठीक है, इसी योग में एक स्थान है ध्यान। अष्ट सोपान में याम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, जो आज जो आठ है आप जानते हैं क्रम में, जो बाबा ज्यादा समझा सके, उसमें एक पड़ाव है ध्यान। और महाभारत का अर्थ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपना सुबह का नित्य कर्म ध्यान से करते हैं। पहला कार्य कृष्ण का ध्यान है। थोड़े स्वस्थ, अभी स्नान में, स्नान की बात बाद में करते हैं व्यास जी, ये कृष्ण का क्रम मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने ये पढ़ा नहीं था ना, तब से मेरा क्रम भी, मैं आप मेरे हैं, मैं कोई ये अपनी बात करना का कोई, लेकिन आप मेरे और दो मेरे बहुत परम पूजनीय मेरे दाई बाएं बैठे हैं और उनकी उपस्थिति में, मैंने ये 40 साल पहले मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैं जानता नहीं था कि ये क्रम है, लेकिन मेरा मेरे त्रिभुवन दादा ने मुझे कहा था, तो बेटा सुबह में कुछ सब गांव में रहते थे और क्या करते थे, तो बोले सुबह सुबह में एक काम करना, बस हाथ पाँव मुख धो लो, दातुन कर लो, फिर अपनी बेड में बैठ जाओ, चुपचाप ध्यान करो, जो जो शांत बैठ जाओ, ये हमें तो एक क्रम में आज तक निभा रहा हूं। बाकी मुझे कहो, मन कहीं आवड़े नहीं कही कि ध्यान में आम करो, कुंभक ने रेचक ने पूरक ने आ बधु कहीं बहु अपने फावतू नहीं, जो बाबा बतावे जरे एम बेगा तो केवू है भाई साहब, मन बीक लागे काम ते आम करवा माटे, क्या कहीं कादू बंद थी जाए तो वही पछी कथा कहे करवी, एटले आमां आ बधु एवू छे। એના માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન, આ પણ કુંભક ને પૂરક ને એ બધું સૂર્ય ને ચંદ્ર ને ઇંગલા ને પિંગલા ને આમાં 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 ક્યાંક આ બધું આંટી મારી જાય ને, તો એ બાબા જો કપાલ ભારતી કરાતે ઓર પેટ કા જો અદભુત હતી, એ આપ સાહેબ સાહેબ ભારતીય વિદ્યાઓ કી સાધના તો દેખો સાહેબ, વારી જાઉં પ્રણામ કરું દા, પણ એક વખત મેં કોશિશ કરી
આમ ખરેખર એ કામ તમને આનંદ કરવા માટે નથી કીધું, પણ બાબા મને એમ થયું કે આપણે જોયું તો કરે, અમારા બાબા કરે એટલે મેરી બી એટલી શ્રદ્ધા આપકી બી મેરે પ્રત્યે સ્નેહાદર ઇતના રહ્યા, મેરી બાત કભી આપ નહીં ટાલતે, આપકી બાત મેં કભી નહીં ટાલતા, ઇતના હમારા દેહ ઓર અકારણ વો મુજે કભી મેરા સમય નહીં લેતા ઓર મેં ભી કભી આપકો કષ્ટ નહીં દેતા, રિશ્તા તો એસે હી રહેતા હૈ. તો મેં આપકો મેં થોડા શીખા આપશે એક વાર, ઓ બાબા જાજુ લાંબુ આવ્યું નહીં મારું યાર. એટલે હું સંધ્યાના વસ્ત્રમાં આવું ને સવારે પણ સંધ્યાનું વસ્ત્ર આમ પેલું કરી અને પછી મેં આમ જરાક કોશિશ કરી, પણ ભૂખ્યા પેટે થયું નહીં. કોશિશ બહુ કરી આમ પેટને ઊંડું લઈ જવાની ને ગોળ ગોળ ફેરવવાની ને આમ કર્યું બહુ, પણ કાંઈ જામ્યું નહીં. કીધું હવે આ ક્યાંક બીજું થઈને ઊભું રહે, એના કરતા યોગને પ્રણામ કર્યા અને પછી એના ક્રમ પતાવીને જલ્દી નાસ્તો કરી લીધો, પછી હુવાણ થઈ. બાકી અદભુત વિજ્ઞાન હે, હજારો લોકોને ઇસ પ્રયોગ સે અચ્છા ફલ પાયા. ધ્યાન ગોસ્વામીજી કહેતે ચોપાઈઓ મેં ધ્યાન પ્રથમ વિધિ. ધ્યાન આદમી ધ્યાન કરતા હૈ તો સમજના ઇનકે અગલ બગલ મેં સતજુગ પરિક્રમા કરતા હૈ, ચારો સતયુગ હોતા ધ્યાન કી એક બડી મહિમા. અબ આપ કહે કૈસે ધ્યાન કરે ક્યાં કરે વો બાબા સે પૂછો, મેં તો ખાલી બેઠ જાતા હું બસ, કોઈ સંકલ્પ નહીં કરના, કોઈ વિચાર આવે તો આવે જોયા કરવાનું, બાકી કોઈ અપને આપ વિચાર નહીં કરવાનો કે આમ કરવું છે આમ, એવું કંઈક કરવાનું નહીં, બેસવાનું, આવે તો આવે તો એ વિચારોને જોયા કરવાનું, આવે અક્રિય રહેવું કાંઈ કાંઈ બસ હોને દેના એસા મિલતા. ભ્રષ્ટતા રાવણ કે કાળ મેં યે ઘટના એક એસી ઘટના કે પૂરા સંસાર ભ્રષ્ટાચાર સે, ભ્રષ્ટાચાર માની એક હી પ્રકાર કા નહીં, પ્રત્યેક આચાર ભ્રષ્ટ હો જાતા. ભગવાન આપને રાષ્ટ્ર પર કૃપા કી કે ભ્રષ્ટાચાર કે સામને હર એંગલ સે એક સાધુ આવાજ ઉઠાય. મુજે કોઈ સરાહના કરને કા કોઈ કોઈ નહીં, લેકિન એક મેં સાધુ વાત તો દઉં, જબ જબ ઇસ રાષ્ટ્ર કો જરૂરત પડી આપ સબ સાક્ષી હૈ, અપની ફકીરી લીએ હર ક્ષેત્ર મેં યોગદાન દિયા ઓર રાષ્ટ્ર મેં કુછ અચ્છે દિન આયે યે હૈ એક ફકીર કા યોગદાન માના જાયેગા. દુનિયા તો સ્વાર્થી હૈ કોણ કબ ભૂલ જાય, ઓર ફકીરો કો ક્યા, લેકિન સાધુ કો ચાહી અપના દાયિત્વ નિભાતા જાય, કોઈ મેદાન મેં આકર નિભાએ, કોઈ ગુફા મેં બહેકર અપના ધ્યાન અપની અક્રી સાધના સે, સાધુ કભી ચૂપ નહીં રહેતા, લેકિન દુનિયા જલ્દી ભૂલ જાતી હૈ. મેં કોઈ બાબા કા પ્રવક્તા નહીં હું, લેકિન જબ કુછ આતી વાત નહીં મેરે પાસ, ક્યોંકિ સબ જાનતે કે બાબા ઓર બાપુ કો જ્યાદા વો હૈ, તો મેરે પાસ આતે કે બાબા ઇતના કર રહે હૈ, પૂરે માહોલ મેં કૂદે હૈ ઓર પૂરા દેશ કા પરિભ્રમણ કિયા, તો બાબા કુછ કુછ નામ દિયે હોંગે કે ઇસકો રખો યે કરો કરો, લેકિન મેને કહા મેં જીતના જાનતા હું યે બાબા એસા નહીં કરેગા, એ કામ પૂરા હો જાયેગા ઓર હરિદ્વાર ભેગા હો જાયેગા. રાષ્ટ્ર કો આઝાદી મિલી, રાષ્ટ્રધ્વજ ફહેર રહા થા ઓર ગાંધીજી નવા ખલી મેં જાકર કતલેઆમ હોતી થી વહાં આંસુ પહોંચ રહે થે. હમારી બાત હુઈ થી શપથ વિધિ મેં જાએ, મેને કહા બાબા મેં તો નહીં જા સકતા, બોલે મેં ભી નહીં જા સકતા. અચ્છા હુઆ, સંત કો કહાં સીકરી કામ, આવન જાવન પનહિયા ટૂટે
मैंने बिसर गयो हरि नाम, जहां बैठे वहीं से दुआ दे दे, बात खत्म। और बाबा मर्म जानने वाले को तो चोट लग ही जाती है कि नहीं आए, ये अच्छा है न जाने का, मतलब कि हम कोई उपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन दायित्व अपने ढंग से सब निभाते रहते, फिर हमें आरती उतारने की क्या जरूरत है। हमने तो व्यास फिर से राज तिलक कर दिया था अगले दिन। तो बाप आप सोचिए, दुनिया जल्दी भूल जाती है ऐसे माहौल में। तुलसी के जो ये सूत्र है, काम की चर्चा चल रही है तभी एक ध्यान ये भी, काम माने केवल जिसको हम काम कहते हैं, इतनी ही चर्चा सीमित न करो कि जिसमें एक पुरुष विग्रह है, एक स्त्री विग्रह है, उनके बीच में जो जो बातें होती हैं केवल विषय की। काम का अर्थ इतना संकीर्ण नहीं है, काम का क्षेत्र बहुत विशाल है। बापू मेरे पास एक एसएम से पुष्पराज का प्रश्न आया है, कामदेव का प्रभाव इतना प्रबल क्यों है, अन्य देवों की भांति और खासकर मनुष्यों पर। देश का सद्भाग्य है कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उसको कोई बेटा नहीं है। वरना दुनिया की सियासतों में देखो, वो बड़ा प्रधान होता है ना, उसके बेटे का प्रभाव ज्यादा होता है। वो तब तो क्या हो मालिक जाने, न हो तो भर कि ये प्रेसिडेंट का बेटा है मनमानी कर लेता है, ये प्रधानमंत्री का बेटा है मनमानी। तो एक सियासत के क्षेत्र में या तो कोई धनवान हो, करोड़पति अब्जोपति उद्योगपति हो, तो उसका बेटे का भी बहुत चलता है कि भाई बड़ा उद्योगपति का बेटा है, कोई नाम प्रख्यात नाम वाले का कोई बेटा तो उसके नाम से काम चलता है। तो कामदेव का काम चलता है कि उसकी उसका बाप राम है, एक कृष्ण का बेटा है, इसलिए उसके नाम का प्रभाव है। यार गैर का होता तो नहीं कोई सम, कृष्ण तनय हो यही, कामोस्मि भरतर्षभ, मैं काम हूं, और ये उनका बेटा है। अन्य दृष्टांतों में समझाने के लिए सपोर्ट ले रहा हूं, दुनिया में नहीं होता कि भाई कोई प्रधान है तो वे कोई बड़ा अधिकारी है उनका बेटा है तो मना नहीं करता, अब वो गाड़ी रॉन्ग साइड में डाले तो भी बुलाया नहीं जाता, पूछा नहीं जाता, वो कुछ विलंब करे तो भी कुछ न कुछ किया जाता, चलता है सबका। हम तो कोई बड़े नहीं है, हम तो तुम्हारे समान बैठे बैठे गाते हैं मात्र, लेकिन हमारे नाम से भी कहीं नहीं चला लेते, कहीं जाकर कह दो बापू ने हमको भेजा है, बस बापू ने कहा ये करना है, तो लोग अपना काम निकाल कर चले जाते हैं, बापू ने खबर ही न हो। तो बापू नु हालतू तो डाकू नु न हाले, सोचो तो। काम का बेटा इतना प्रभावक है क्योंकि तो काम के बाप का नाम कृष्ण है, कृष्ण तो प्रभाव पर प्रभाव डालता है। लेकिन मेरा निवेदन याद रख के पुष्पराज जी, जिसने प्रश्न पूछा है, कि मैंने ये भी कहा कि प्रभाव केवल मत समझो, अंतरंग जाकर काम का स्वभाव समझो तो काम परोपकारी है। काम जगत के सर्जन का एक सर्जक बिंदुओं में से एक है, इससे सृष्टि फैलती है।